वंस अगेन वेलकम इसके आगे वाले एडिशन में, थर्ड एडिशन में आपने देखा आई एक्सप्लेन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का ग्राफ, ओम्स लॉ के ग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। वंस अगेन मैं वीरेंद्र माथुर इस चैनल में एक बार फिर क्लास टेंथ स्टूडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरी बात, मैंने अपने पुराने वीडियोज में जो टॉपिक सिलेक्ट करा था पहले ओम्स लॉ, ये उसी का सेकंड पार्ट है और ऐसे ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका ये फोर्थ या फिफ्थ एडिशन होगा। उस एडिशन में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स, देन हमने डिस्कस करा पोटेंशियल, देन पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स, फिर हमने डिस्कस करा ओम्स लॉ। तो उस हिसाब से ये मेरा वीडियो होता है 6 नंबर का, लेकिन ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, लेकिन उससे पहले ओम्स का लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बोला, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, और इसी का रहा ये डायग्राम जो अभी इसके ठीक पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा। राइट, हमने आगे ये डिस्कस करा वी इज इक्वल्स टू आर आई जो मेरे पहले वीडियो में था, R जो कि एक रेजिस्टेंस को डिपेंड करता है, और इस प्रकार से V by I is equals to हमें एक फॉर्मूला मिलता है रेजिस्टेंस। और इस प्रकार हम रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन जानते हैं वो ये होती है, रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। अब प्रश्न ये उठता है ये ऐसा क्यों करता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या कारण है कि एक कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस नाम का ये एक नेचर पाया जाता है। तो एक बहुत सरल सा एग्जांपल है, उदाहरण के साथ समझाऊंगा। मान के चलिए कि आप बॉम्बे की या मुंबई की लोकल ट्रेन में बैठे हैं और स्टेशन आने वाला है। जैसे ही स्टेशन आता है और ट्रेन रुकती है और आप अपने आप को एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज मान लें और आप ट्रेन से बाहर निकलते हैं, आपने देखा होगा या बैठे होंगे, दोनों स्थितियाँ होंगी। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि आप एक दूसरे से टकराते हैं, कहने का मतलब आप अपनी एक नेचुरल स्पीड में नहीं चल पाते हैं, आप टकराते हैं फिर चलते हैं, टकराते हैं फिर चलते हैं। ये एक एग्जांपल था, इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझते हैं। राइट, कि लोकल ट्रेन में आप बैठे हैं, जैसे स्टॉप आया बहुत कम पैसेंजर हैं और आप स्टेशन पे उतरे, बहुत कम पैसेंजर, हम किसी विलेज का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी गांव का एग्जांपल जहां पे क्राउड बॉम्बे के रिस्पेक्ट में बहुत बहुत कम होता है। जैसे ही आप स्टेशन से उतरेंगे आप अपनी स्वाभाविक चाल में चलेंगे या थोड़ा बहुत टकराएंगे, यही नेचर एक सब्सटेंस में पाया जाता है। जब हम एक कंडक्टर के अंदर जब पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, मतलब हम ये चार्ज को अनुमति देते हैं कि इस डिफरेंस के कारण वो बह सकता है, जब वो जैसे ही बहना शुरू करता है इस पोटेंशियल के कारण, तो आप जानते हैं केमिस्ट्री बेसिक जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस इज अ कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल एंड एलिमेंट्स ऑफ एटम, हम जानते हैं वो मॉलिक्यूल और एटम से मिलके बना होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल या एटम से बार बार कोलाइड्स होते हैं, टकराते हैं। ये टकराना उनके मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो, इसके पहले वाले में मैंने आपसे कहा था कि सिल्वर के अंदर टकराने वाला नेचर कम पाया जाता है, इसी को ओम्स ने नाम दिया रेजिस्टेंस। इसके अंदर रेजिस्टेंस की सिल्वर में कम प्रोबेबिलिटी होती है टकराने की, लेकिन गोल्ड में और कॉपर में एल्यूमिनियम में ज़्यादा होती है, तो पर होती जरूर है। तो जब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या, ये इलेक्ट्रॉन के चलने की एक गति होती है, जब ये चलता है तो किसी से कोलाइड्स करता है, टकराता है, टकराने के बाद दोबारा चलता है। जिन सब्सटेंस में टकराने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है वो करंट को कम अमाउंट में फ्लो करते हैं, जिनमें कम होती है वो करंट को ज़्यादा अमाउंट में, पर हर सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होती जरूर है। इसी नेचर को ओम्स ने नाम दिया और उसने नाम दिया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कोई जादू नहीं है, कोई ब्रैकल नहीं है, एक केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन चार्जेस फ्लो इन द कंडक्टर, अगर वो कम कोलाइड्स करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा मिलेगा, और अगर वो ज़्यादा कोलाइड्स करेंगे तो अमाउंट ऑफ करंट हमें कम मिलेगा। सो रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। चलिए हम इसके आगे डिस्कस करते हैं कि हमें इसके आगे क्या करना है। तो आई होप सो आपको रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया हो कि मैं आपको ये क्या समझाना चाहता था।
अब हम बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, SI यूनिट। हर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की SI यूनिट। तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट मतलब R इक्वल्स टू V अपॉन I या VI इक्वल्स टू R, दोनों एक ही बात है। तो V का मतलब होता है हम देखेंगे वोल्ट, और इसका मतलब होगा एम्पियर, और इसकी यूनिट जो होती दैट इज कॉल्ड ओम्स या ओम। और आप देखेंगे इसको जो सिंबॉलिकल होता है, एक ओमेगा सिंबल होता है, बड़ा सिंपल होता है इसको बनाना लाइक दिस, और इसको हम बोलते हैं सिंबल को ओमेगा, ये ग्रीक वर्ड होता है। और इस सिंबल का जो हमने नाम रखा है, वो नाम हमने क्या रखा है, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। सो आप देखेंगे दैट इज द ओमेगा, दिस इज द ओमेगा, थोड़ा सा ऐसा। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा। सो ओम भी हम बोल सकते हैं, हम इसको सिंबल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, जहाँ पे वोल्ट एम्पियर इक्वल्स टू में कितना निकल के आएगा ओम। और रेजिस्टेंस जो आप देखेंगे, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी, हम उसको जो ऐसा यूनिट डिफाइन करेंगे, वो हम उसको ओम से डिफाइन करेंगे, या हम अगर हम उसका सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो हम इसका सिंबल इस्तेमाल करेंगे दिस तरीके से, एंड दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय ओमेगा। सो आपने देखा रेजिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट। लेकिन रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको इसके तीन फैक्टर्स पढ़ना पड़ेंगे, बहुत जरूरी है। बोर्ड लेवल पे, क्लास 12th के लेवल पे बहुत न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है ये टॉपिक। एडवांस लेवल पे जब आप 12th लेवल में पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लार्ज स्केल पे पढ़ा जाता है, बट इसका फंडामेंटल क्लास 10th में ही तैयार होता है। तो आज हम जो रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, हमने यूनिट पढ़ ली, अब हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स, रेजिस्टेंस किस किस कारण भी इफेक्टेड होता है। मतलब हम फैक्टर जो होंगे रेजिस्टेंस के, हम उन फैक्टर्स की अब स्टडी करेंगे इसी वीडियो के अंदर, राइट। तो देखिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अब हम मैं आपको बताऊंगा उसके फैक्टर, ताकि आपको रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आए कि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब आप चाहें तो यहां से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड जरूर सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दो तीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रेजिस्टेंस से रिलेटेड लिया है। ये एक सर्किट देख रहे हैं आप, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, बैटरी आप देखिए 10 वोल्ट का मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, और उस करंट से कितने एम्पियर का करंट बह रहा है, 2.5 एम्पियर का। क्वेश्चन ये है हमें, जो हमें फाइंड करना है, ये जो इसकी फिलामेंट है जिसके कारण ये बल्ब रोशनी दे रहा है, इस फिलामेंट के अंदर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, हमें ये इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस फिलामेंट का। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बताता हूँ। अन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन 2.5 एम्पियर करंट, इसके अंदर 2.5 एम्पियर का करंट बहेगा, सीरीज के अंदर करंट इक्वली अमाउंट में बहेगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा है हमने, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब, हमें इस बल्ब के फिलामेंट का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब ये जो फिलामेंट आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस होगा हमें वो फाइंड करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें अपना फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, V इक्वल्स टू माई डियर आई आर या आर आई, हम जानते हैं हमें R फाइंड करना है, इसका मतलब I नीचे जाएगा, सो V डिवाइडेड बाय I इक्वल्स टू में आपको कितना मिलेगा, R मिलेगा। आप यहाँ पे डेटा सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको इसकी जगह मिलेगा 10 वोल्ट, तो ये मिला 10 वोल्ट, आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा 2.5, तो यहाँ से मिला 2.5, और इक्वल्स टू में कितना मिला रेजिस्टेंस, डेसिमल हटाइए ये ऊपर चला जाएगा एक 10, सो जैसे ही डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, यहाँ से मिला 25 इक्वल्स टू में आर, जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे ये 4 टाइम्स जाएगा, और 4 ओम लिखना बहुत जरूरी है, और इस प्रकार से हम देखेंगे तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो 4 ओम का रेजिस्टेंस डेवलप होगा। आप देख रहे हैं कितना सिंपल प्रॉब्लम हमने इसको सॉल्व करा है, फिलामेंट से रिलेटेड हमने एक प्रॉब्लम लिया, तो उस फिलामेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है जिसके कारण से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 4 ओम का रेजिस्टेंस उसके अंदर डेवलप होगा। सो आपने देखा एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेके मैंने इस एक ही न्यूमेरिकल को सिर्फ रेजिस्टेंस से कोरिलेट करके आपको सॉल्व करा, राइट। अब हम रेजिस्टेंस का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है, हम उसके फैक्टर जानेंगे। उसमें पहला फैक्टर आप देखेंगे तो लेंथ होगी कंडक्टर की,
एरिया होगा कंडक्टर का और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें हम टेंथ लेवल पे फंडामेंटल सीखेंगे। अगर आप क्लास 11th और 12th में फिजिक्स कंटिन्यू करेंगे तो आपको वहाँ पर भी इसको बहुत लार्ज स्केल पे पढ़ना है, लेकिन बेसिक आपका अभी तैयार होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, और इसकी हम फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं।